गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस। बेटा हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 5 फॉरेस्ट एनिमल। तो बच्चों हमने फॉरेस्ट एनिमल्स में सारे एनिमल्स के बारे में जाना था, बिग एनिमल, स्मॉल एनिमल्स और वाइल्ड एनिमल्स, और वो खाते क्या हैं उसके अकॉर्डिंग भी हमने उनको जान लिया था, है ना बच्चों। उसके बाद में हमने हर्बीवोरस, कार्निवोरस, स्कैवेंजर्स, इन सब के बारे में स्टडी किया था और हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। बच्चों लास्ट में एक साइंटिफिक फैक्ट है जो मैं आपको आज बताती हूँ। मैनी ईयर्स एगो, बहुत साल पहले, एनिमल्स सच एज डोडो एंड क्वागा यूज टू लिव ऑन दिस अर्थ। तो बहुत साल पहले की बात है कि कुछ ऐसे एनिमल थे जिनका नाम था डोडो और क्वागा। तो ये ऐसे एनिमल भी ज़मीन पर रहते थे। नन ऑफ दीज एनिमल आर लेफ्ट नाउ, अब इनमें से ऐसे कोई भी एनिमल नहीं है। दे आर एक्सटिंक्ट, और इन्हें हम एक्सटिंक्ट कहते हैं, यानी लुप्त प्राणी कहते हैं। डोडो बच्चों क्या होता है, एक बहुत बड़ी सी चिड़िया होती थी और उसका अंडा भी बहुत बड़ा, शुतुरमुर्ग के अंडे से भी बड़ा अंडा होता था। ऐसे ही क्वागा भी एक एनिमल होता था। ओके बच्चों, तो अब समझ में आया ये एक रोचक तत्व। ओके तो बच्चों अब हमने देखो हमारी एक्सरसाइज का टिक द करेक्ट कर लिया था, है ना। फिर फिलअप्स भी भर लिए थे, मैच द फॉलोइंग्स भी कर लिए थे लास्ट क्लास में, और ट्रू एंड फॉल्स भी हमारे कंप्लीट हो गए। सभी बच्चों ने अच्छे से कॉपी में कर लिए हैं ना, और याद भी कर रहे होगे, है ना। अच्छे बच्चे हैं तो अच्छे से याद कर लेंगे, है ना। अब है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमारे पास कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, लॉन्ग आंसर हैं, तो बच्चों 2-3 लाइन्स के ये क्वेश्चन हैं, तो इनको आपको लर्न करना है। तो आइए करते हैं इन क्वेश्चंस को। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर वाइल्ड एनिमल्स। तो वाइल्ड एनिमल्स यानी जंगली जानवर कौन होते हैं, तो इसके लिए आप कैसे लिखोगे, आप आंसर में लिखोगे एनिमल्स दैट लिव इन डीप एंड थिक फॉरेस्ट आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स। तो एनिमल जो कि गहरे घने जंगल में रहते हैं वो जंगली जानवर कहलाते हैं, है ना। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेम 3 एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड। तो कोई भी 3 एनिमल्स के नेम बताओ जो कि ज़मीन पे रहते हैं, बताओ आप लोग। जैसे जिराफ हो गया, एलिफेंट हो गया, एंड लायन आर लिव ऑन लैंड। ओके नेक्स्ट, डिफाइन द फॉलोइंग। अब हमारे पास कुछ फॉलोइंग टर्म्स दी हुई हैं, उनको डिफाइन करना है। फर्स्ट है हर्बीवोरस। तो हर्बीवोरस क्या होता है, सम एनिमल्स ईट ग्रास, कुछ एनिमल ग्रास खाते हैं यानी घास खाते हैं, प्लांट्स एंड नट, या फिर प्लांट्स खाते हैं या नट खाते हैं। दे आर कॉल्ड हर्बीवोरस, इन्हें हम हर्बीवोरस कहते हैं। ओके फिर नेक्स्ट टर्म है कार्निवोरस। तो कार्निवोरस मैम ने क्या बताया था आपको, बताओ। मैम ने बताया था सम एनिमल्स ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। तो कुछ एनिमल्स क्या खाते हैं, दूसरे एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं यानी मांस खाते हैं, है ना। यही तो होते हैं कार्निवोरस। ओमनीवोरस कौन होते हैं, सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एज वेल एज फ्लैश। तो कुछ एनिमल दोनों चीज़ें खाते हैं, प्लांट भी और फ्लैश भी। दे आर कॉल्ड ओमनीवोरस, इन्हें हम ओमनीवोरस कहते हैं। ओके फिर है स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स कौन होते हैं, सम एनिमल्स ईट द फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स, कुछ एनिमल्स जो मरे हुए जानवर होते हैं उनका मांस खाते हैं। दे आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स, इन्हें ही हम स्कैवेंजर्स कहते हैं। ओके फिर है व्हाई आर एनिमल्स डिक्रीजिंग इन नंबर, तो जो एनिमल्स हैं वो कम क्यों होते जा रहे हैं। तो आंसर क्या लिखोगे आप लोग, आंसर लिखोगे मैनी वाइल्ड एनिमल्स आर किल्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स
फॉर स्पॉट्स, फूड, स्किन, नेल्स एंड टीथ। तो बहुत सारे ऐसे जंगली जानवर हैं जो जिन्हें लोग मार रहे हैं, किसके लिए? वो अपने स्पोर्ट की चीज़ें बनाने के लिए, अपने खाने के लिए, उनकी स्किन निकालने के लिए, उनके नेल और उनके दांतों के लिए उन्हें मार दिया जाता है। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन देखो, हाउ कैन देयर नंबर बी इंक्रीज। अब ऐसे जानवरों को मार दिया जाता है तो उनके नंबर्स तो कम हो जाएंगे, मतलब वो क्वांटिटी उनकी कम हो जाएगी, ज़्यादा एनिमल दिखेंगे ही नहीं हमें। तो हमें इन्हें बढ़ाएंगे कैसे? ये मैंने पढ़ाया था ना आपको, कैसे बढ़ाते हम? सम एनिमल्स आर कैप्ट सेफ इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स। तो कुछ एनिमल्स को सेफ रखने के लिए उन्हें वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क में रखते हैं। तो आपको बस इतना ही लिखना है अपनी कॉपी में, ये लाइन मत लिखिएगा। ओके बच्चों, लास्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट आर एक्सटिंक्ट एनिमल्स। तो आप इन दोनों के नेम लिख देना, डोडो एंड क्वागा आर एक्सटिंक्ट एनिमल्स। ओके बच्चों, तो इतना होमवर्क आप अपनी कॉपी में अच्छे से कर लोगे। नेक्स्ट क्लास में हम न्यू चैप्टर रीड करेंगे। ऑलराइट, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।